हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो यार बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकल कर आ रही, बहुत बड़ी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। ऑफिशियली जो है ये न्यूज़ है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो कि आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, जो आपका CET है यानी कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो लागू होने जा रहा है कब से, 2022 के अर्ली से, यानी कि जनवरी फरवरी या मार्च के महीने में जो है आपको CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है यानी कि जो NRA लेगी आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो आपका लागू होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें आखिरकार कौन कौन से जो है एग्ज़ाम इसमें शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है, ठीक है, तो लग जाओ तैयारी में यार, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए कोई भी एग्ज़ाम से जुड़ी, ठीक है। तो मैं आपको ऑफिशियल जो है ट्वीट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ऑल इंडिया रेडियो आप ट्विटर पर जाकर सर्च कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है कि इन एन एफर्ट टू ब्रिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू द डोरस्टेप ऑफ कैंडिडेट्स, सेंटर विल कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET इन 2022। ही सेज CET विल बी कंडक्ट द पोस्ट फॉर SSC। देखिए पोस्ट दी हुई है, किस किस पोस्ट के लिए होगा, SSC, बैंकिंग एंड रेलवेज, ठीक है। इनिशियली रूप से यानी कि जब स्टार्ट किया जाएगा 2022 में प्रारंभ में, तो वहाँ पर आपको जो है तीन ही मैन, SSC, बैंक यानी कि जो IPS लेता है, और जो रेलवे, इन तीन की भर्ती ही जो है इसके माध्यम से की जाएगी CET के माध्यम से, ठीक है ना। बाकी की जो भर्तियां वो नॉर्मल चलेंगी, इसके इन तीनों की भर्ती ली जाएंगी, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम सामने होने वाले। अब देखिए दूसरा ट्वीट देखिए, PIB इंडिया कॉमन, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट CET विल बी कंडक्ट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम अर्ली 2020, ठीक है। यहाँ पर इशारा किया हुआ है ना जनवरी फरवरी या मार्च में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लद्दाख विल बी हैव टू सेंटर, यहाँ पर लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूँ, आपके दो एग्जाम सेंटर होंगे लद्दाख में, जो कि होंगे लेह और कारगिल, ठीक है ना। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर एक और ट्वीट आया था कि यहाँ पर लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज गोल्स एंड टारगेट्स सेट बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर द न्यू UT एंड लद्दाख वुड बी मेट इन टाइम टेक टाइम, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं नीचे करता हूँ इसको, ये देखिए ये वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम अर्ली 2022 यानी कि 2022 के प्रारंभ में आपको देखने को मिलेगा। एंड लद्दाख हैव टू सेंटर्स लेह एंड कारगिल, सेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो बिल्कुल ऑफिशियल जो न्यूज़ है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर, ठीक है, उसका ये वीडियो लिया गया है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर आपको प्रत्येक एग्जाम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दें। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।